पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की बढ़ती कीमतों से हर आदमी की जेब पर फर्क पड़ता है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि आपकी गाड़ी सिर्फ सूरज की रोशनी से भी चल सकती। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। भारत सरकार अब इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना पर काम कर रही है। एक इलेक्ट्रिक हाईवे से अर्थ एक ऐसी सड़क का होता है जो उस पर यात्रा कर रहे वाहनों को बिजली की आपूर्ति करती है। इसमें ओवरहेड बिजली की लाइन के जरिए ऊर्जा की सप्लाई शामिल है। यह व्यवस्था वैसी ही है जैसे ट्रेनों को बिजली दी जाती है। सोमवार को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, हम इलेक्ट्रिक हाईवे के विकास पर भी काम कर रहे हैं। यह सौर ऊर्जा के जरिए संचालित होंगे। इससे भारी माल ढुलाई क्षमता वाले ट्रकों और बसों को यात्रा के दौरान चार्ज करने में सुविधा होगी। गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय टोल प्लाजा को भी सौर ऊर्जा से चलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अब हम आपको बता देते हैं कि दुनिया में कहां है इलेक्ट्रिक हाईवे। आपको बता दें कि स्वीडन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जून 2022 में स्वीडन ने 1.6 किलोमीटर लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।